साल बस एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्लियर। वैसे मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो पढ़ा चुके हैं, वो मैंने पढ़ाया आपको डिस्क्रीट टाइप के केस में। आज हम लोग कंटिन्यूअस टाइप के केस में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं अगर आपको पीडीएफ दिया हो। वो हमने कब देखा, जब आपको पीएमएफ दिया था यानी मास फंक्शन दिया था तब कैसे निकालते थे। अब हम लोग देखेंगे जब डेंसिटी फंक्शन दिया और सीडीएफ कैसे निकाले, क्लियर। तो टॉपिक क्या है बेटा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको भी आप ऐसे ही लिखते हैं, किससे, कैपिटल एफ एक्स से, कैपिटल एफ एक्स से इसको ऐसे ही लिखा जाता है, क्लियर। लेट एफ एक्स बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज गिवन बाय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एक्स की जो वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में हो सकती है, देन द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, समझ में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडीएफ कहते हैं। वाओ, क्या कहते हैं, सीडीएफ, ठीक है। क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को समझिए, कह रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, कह रहा है लेट एफ एक्स बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी पीडीएफ है किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स का, देन जो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये याद कर लो, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स किसके बराबर है, माइनस इंफिनिटी टू एक्स। यहाँ पे ये जो एक्स है ये क्या है बेटा, पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एफ ऑफ वन निकालूंगा तो यहाँ कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन किसके बराबर होगा, माइनस इंफिनिटी टू वन एफ एक्स डी एक्स, समझ में। इस लिमिट में उस फंक्शन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को फाइंड करेंगे। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, देखो जब आप चैनल विजिट करना, मैंने मास फंक्शन के जब पढ़ाया था तो सीडीएफ भी वहां पे पढ़ाया था, तो उसके जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया ना, आप उसको कर लोगे, आपको एकदम आनंद आ जाएगा, कहेगा मास्टर दुनिया दिखा दी स्टेट्स में आपने, समझ, ठीक। चलिए, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन। मेन आपको याद ये करना है, इस चीज को दिमाग में क्या कर ले, उतार ले, क्या, ये जो x है बेटा ये पॉइंट है, क्या है बेटा, ये क्या है, पॉइंट है। जैसे x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे माइनस वन हो गया, माइनस टू, थ्री, जीरो, एट, कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लियर। उसको इंटीग्रेट करिए और क्या, वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बराबर, क्लियर। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, और कपड़ा कहाँ चला गया, ये
डिंग 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 डिंग। ठीक है, अब इसकी क्या होती है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। क्या होती है देखो कुछ प्रॉपर्टीज, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो इस पे मेन है क्वेश्चन, और इस पे क्वेश्चन आते हैं बड़े 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 मार्क्स। अरे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो तुम बहुत बड़े बड़े भी सवाल ला सकते हो। क्लियर होगी बात? तो चलो अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज इसकी दो ही तीन है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। मतलब खास भी नहीं है, ऐसे किसे की दी मार्क्स तो पढ़ा ही ना, नहीं पढ़ना जरूरी है। क्या प्रॉपर्टीज देखेगा, अगर प्रॉपर्टीज क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका एफ एक्स है, जो आपका एफ एक्स है, ये क्या होना चाहिए, जीरो से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका एफ एक्स है वो ये होना चाहिए, क्या एफ एक्स जो है आपका वो क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए है, और वन से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है जो एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर माइनस इनफाइनाइट का निकाले तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका लिमिट, लिमिट या लिमिट छोड़ दीजिए आप, मेन जो आपका क्या था एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू था, क्या था माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू थी। इस चीज को ऐसे निकालेंगे, कैसे देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, क्या होगा, अब एक्स कहाँ जा रहा है, टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ डी एक्स। ओ हो हो हो, ये क्या चीज आ गई भाई, ये कुछ देखा लग रहा है। जब आपने डेंसिटी फंक्शन समझाया था तो आपने मेरे को बताया था, क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी, या जब भी आप प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकालेंगे, यानी पी एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट अगर आप निकालेंगे पॉइंट पे, तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, यही चीज आएगी। अगर एफ ऑफ प्लस इनफाइनाइट निकालेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक्स कहाँ जा रहा है प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ तो आपने पढ़ी भी है, ठीक है। ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिए, क्या समझिए, जो आपका ये है वन, ये आपने प्रॉपर्टी टू में पढ़ा है, ये आपने किस में पढ़ा है, प्रॉपर्टी टू में पढ़ा है। क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी टू में पढ़ा है, बताया था, क्या बताया था कि जो आपका एफ एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये आपने सेकंड केस में वहां पे पढ़ी थी, जब आपने आपको क्या पढ़ाया था, डेंसिटी फंक्शन पढ़ाया था, वहां दो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक ये वाली पढ़ाई थी और दूसरी ये वाली पढ़ाई थी। तो ये वन कहाँ से है, वहां से समझ लीजिएगा जाते, क्लियर। दोबारा समझाऊंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज ये समझने वाली है कि जो मेरा एफ एक्स है, ये जो पॉइंट है, ये समझिए कैसे है, जो मेरा एफ एक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है एक्सियम से, क्या कि हमेशा किस पे, वन से छोटी होगी या वन के बराबर होगी, या जीरो से छोटी होगी, जीरो के बराबर होगी, मतलब जीरो से बड़ी होगी और जीरो के बराबर। तो किस पे एफ एक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, यही चीज देखिए यहां समझाने की कोशिश की, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से समझना, क्योंकि उससे क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सवाल। ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है, नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स खुला है, मास्टर खाली है, खाली है मतलब आपको पढ़ाने के लिए, क्लियर होगी बात। लास्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लास्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, जो आपका डीएफ है, जो वो क्या होता है, अगर मैं पहले लिख देता हूं, देखो बात को समझो क्या कह रहा है,
कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू किसके, dx के, तो आपको PDF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? PDF। अरे बाप रे बाप, ये क्या है, ये क्या बता दिया मास्टर? कुछ नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है तो आप कुछ ना करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उस CDF का जो आ जाएगा PDF निकल आएगा। क्या निकल आएगा? PDF निकल आएगा। और अगर आपको PDF गिवन हो और CDF पूछा हो तो कैसे करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, इससे ये आपका क्या दिल जाएगा? CDF मिल जाएगा। समझ गए? ये दो बातें आप क्या कर लो, दिमाग में उतार लो, क्या कर लो, दिमाग में उतार लो। अगर आपको क्वेश्चन में PDF यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू आएगी वो PDF होगा किसका? CDF का। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वहां पे ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन में PDF दे रखा है और CDF पूछा है, तो उस पर्टिकुलर रेंज में क्या करो, इंटरवल में इंटीग्रेट कर दो। यहाँ x क्या है? पॉइंट है। पॉइंट जैसे आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ पे x की जगह कोई पॉइंट होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये दो बातें क्या कर लो, जब PDF की मैंने CDF निकालना, इंटीग्रेट कर दिया, जब CDF की ना PDF निकालना है, डिफरेंशिएट कर दिया। ये दो बातें क्या कर लो, दिमाग में, बुद्धि में क्या कर लो, उतार लो। क्लियर हो गई बात? और ये जो चीज लिखी है क्या, ये इसी को हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ f कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन f, इसको ऐसे भी लिख लो, या ये जो चीज लिखी है इसको हम लोग PDF कहते हैं, ऐसे ही समझ लो। मैं तो इस चीज को नहीं लिखवाता हूँ ये समझाने के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो इसको ऐसे ही समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो जो वैल्यू आई डिफरेंशिएट कर दो, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? PDF के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी किसके बारे में, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। अब आपके पास क्या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूले के बाद, इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं खूब क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मेरे पास 15 to 20 क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं, उनको मैं लगवाऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आप पेपर लेवल का है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेनली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात? लखनऊ यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ मेनली, वहाँ पे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के, आपको कोर्स अगर आता है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी चीज़ का पेपर आराम से दे सकते हो, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। क्लियर होगी बात? अब आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इफ या लेट एफ एक्स इज अ PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लाइज इन एन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी जो एक रैंडम वेरिएबल x है वो किस में लाई कर रहा है? इंटरवल a कॉमा b में लाई कर रहा है। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या होता है? am है, am यानी अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? a टू b x एफ एक्स डी एक्स, ये अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? हार्मोनिक मीन आता है, ये आता है ए टू बी वन अपॉन एक्स एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, इसको आप लिखते हो क्या? लॉग जी इज इक्वल टू ए बी लॉग एक्स, लॉग एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपकी क्या, जब मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये सब चीजें आपको क्या करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? हार्मोनिक मीन इसको आप ऐसे लिख लो, लॉग जी हो गया, वन अपॉन एच लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन,
ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अबाउट ओरिजिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको आप ऐसे लिखते हो म्यू आर डैश, लिखते हो ए टू बी एक्स की पावर आर एफ एक्स डी एक्स, क्लियर, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको क्या निकालना है, म्यू वन निकालना है, म्यू वन डैश, आर की वैल्यू वन रखेंगे, म्यू वन डैश निकालेंगे, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। और ये जो चीज़ होती है बेटा, याद कर लेना, ये जो चीज़ होती है ये क्या होता है, मीन होता है, क्या होता है, मीन होता है, मीन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं निकलवाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। म्यू टू डैश निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अब जनरल फॉर्मूला याद रखो, टू निकालना, आर को टू पुट किया, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका म्यू टू डैश, म्यू टू, ये म्यू टू क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन होता है, क्या होता है, मूवमेंट अबाउट मीन। और ये जो मूवमेंट अबाउट मीन होता है, ये जो म्यू टू होता है, इसे हम लोग वेरियंस कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरियंस कहते हैं, यानी वेरियंस जो है वो म्यू टू डैश, म्यू टू है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। यानी कि म्यू टू की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, क्या होगा, ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का स्क्वायर। ये क्या है बेटा, वेरियंस होता है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या, कि जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो अंडर रूट वेरियंस होता है। समझ में आया, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरियंस जो भी आएगा, यानी जो म्यू टू आएगा, वो उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट ले देंगे, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, ये इसमें आपको लर्न करने वाले फॉर्मूले हैं ये सब, पहला अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोमेंट अबाउट ओरिजन, ठीक है, उसके बाद पांचवा मीन का फॉर्मूला, ठीक है, सिक्स्थ आपका वेरियंस, सेवन्थ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको क्या करनी, याद करनी है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको क्या करना, याद करना ही करना, क्लियर। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब आपके पास आता है क्वार्टाइल, नेक्स्ट आपके पास आता है क्या, क्वांटाइल, क्वांटाइल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो अगर आपको मतलब Q1 निकालना है और दूसरा आपको क्या निकालना है, Q2 निकालना है, क्या निकालना है, Q1 निकालना है, Q2, जैसे A से Q1 निकालना है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स डी एक्स। अगर क्वांटाइल 1 निकालना है तो 1 बाय 4 हो जाएगा। अगर Q3 निकालना है, A से Q3, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 बाय 4 के। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक होता है डेसाइल्स, डेसाइल्स में आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं ए से डी आई, और ये होता है एफ एक्स डी एक्स बराबर आई बाय 10, वेयर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 10, 9, ये वैल्यूज होती है, ठीक है। ये क्या होता है, डेसाइल्स का फॉर्मूला होता है। अब डेसाइल्स के बाद आता है आपका मीडियन। देखो मीडियन की जब भी बात होगी, मीडियन वो पॉइंट होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को, कंटिन्यूअसली बात कर रहा हूँ, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। क्या, दो इक्वल पार्ट्स में, जैसे ए से एम एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी से एम एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 1/2 के। यानी कोई जैसे वाली कर्व है, ये ए है, ये बीच में मीडियन है और ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये मीडियन जो है, ये इस चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है,
मीडियन का फॉर्मूला होता है। क्लियर होगा? नेक्स्ट अगर आपका ये मैं बता दूंगा जो आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाऊंगा, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है ठीक है, तो मीन मीडियन मोड आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर होगा? ये सब मैं जब कराऊंगा तब बताऊंगा। सेंट्रल टेंडेंसी अभी पढ़ाया नहीं, जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद एक्सपेक्टेशन पढ़ाऊंगा, मोमेंट्स पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ पढ़ाऊंगा चैनल पे, क्या करो बस बने रहो। अगर मेरी चीज़ अच्छी लग रही है तो एक लाइक यार बनता है यार, सब्सक्राइब एक बनता है यार। क्लियर हो गया? चलिए ये मेरा क्वांटाइल डिस्टेंस। ठीक, एक चीज़ और होती है, एक आपका क्या होता है μ3 होता है और एक आपका μ4 होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और होते हैं। जैसे आपके पास हो गया क्या, जैसे आपके पास हो गया क्या μ3 हो गया, μ4 हो गया, क्या होता है μ3 - 2μ1 + 1 3 2 μ1³। ये याद करना पड़ेगा आपको, और μ4 - 4μ3 - μ1² - 6μ2 - μ1² - 3μ1 - -. ठीक है, ये दो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इस चीज का काम क्या है, क्यों? क्योंकि जब आप अगर β1 निकालोगे, वाओ क्या निकालोगे, β1 निकालोगे और β2 निकालोगे, वहां पे इसकी क्या आपको जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है, β1 का फॉर्मूला क्या होता है और β2 ये होता है 2³/3² और ये होता है 4² ये β2 का फॉर्मूला होता है और ये β3 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से आप μ3 निकालेंगे, यहाँ से μ4 निकालेंगे, उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो β1 और β2 निकलेंगे। ये सब मैं जब क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वहां पे समझाऊंगा। बस आपको इतना सा काम करना कि ये जो फॉर्मूलेस हैं इनको क्या कर लें, अच्छे से दिमाग में क्या कर लें, याद कर लें। और नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास क्या है, लगातार क्वेश्चन सीरीज है, 4-5 लेक्चर सीक्वेंस में लगे हैं। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा किस पे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे। क्लियर हो गई बात? तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म। ओके, बाय बाय, टाटा।